Hello friends, welcome to Study Go with Zina Siddhi. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे इजीली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आईपीसी के बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो सारी वीडियो चाहिए तो मैंने अलग से आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहाँ पर क्लिक करके आईपीसी की सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी, यानी कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट जिनके अगेंस्ट आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये बात आप लोग ध्यान रखना, सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, लिमिटेशंस लगाता है। ये सेक्शन कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबल कॉज द अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। यानी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको अप्रिहेंशन ऑफ डेथ भी नहीं हो रहा है, आपको ग्रीवियस हर्ट का भी अप्रिहेंशन नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको अगर पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट कर रहा है तो उससे आपकी डेथ कॉज हो जाएगी, आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आप पब्लिक सर्वेंट की अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में ऐसा कर रहा है अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि अपने पद के तहत रहते हुए वो ऐसा कर रहा है, भले ही उसने मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से आपको वो अरेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ये राइट नहीं है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करें उसके अगेंस्ट। दूसरा क्लॉज कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबल कॉज द अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट डायरेक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को दोस्तों सेक्शन 21 में डिस्क्राइब किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, सेक्शन 21 आपको बताता है। तो पब्लिक सर्वेंट अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्शन देता है किसी को अरेस्ट करने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए, अगर पब्लिक सर्वेंट डायरेक्शन देता है गुड फेथ में, वो डायरेक्शन देता है अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, वो डायरेक्शन देता है भले ही जो उसका डायरेक्शन है मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ के द्वारा जस्टिफिएबल नहीं है, अगर वो डायरेक्शन दे रहा है गुड फेथ में डायरेक्शन दे रहा है अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस वो डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको उसके डायरेक्शन से अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी कि डेथ होने की अप्रिहेंशन ग्रीवियस हर्ट होने की अप्रिहेंशन नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और इस सेक्शन का नेक्स्ट क्लोज कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्स टू द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, और आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां पर भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जहां पर आपके पास पब्लिक अथॉरिटी को कॉल करने की, रिकॉर्स करने की, बताने की पॉसिबिलिटी है, टाइम है, तो वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप नहीं एक्सरसाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चोर को पकड़ लिया है, उसको पकड़कर आपने बांध रखा है, अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अब उसको मार दें, उसको पीटें, आपने उसको पकड़कर रखा है, आपको पता है कि वो अब भाग नहीं सकता है, अब यहाँ पर आपके पास टाइम है कि आप पुलिस को बुला सकते हैं, आपके पास टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ डेथ भी नहीं हो रहा है चोर की तरफ से, क्योंकि आपने उसको पकड़ा हुआ है, उसको बांध रखा है, तो आप यहाँ पर उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पब्लिक अथॉरिटी को रिकॉर्ड्स करने का टाइम है, तो यहाँ पर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लोज कहता है एक्सटेंड टू विच द राइट ऑफ प्राइवेट मे बी एक्सरसाइज, यानी कि किस मात्रा तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो
तो इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म दैट इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, यानी कि जितना प्रतिरक्षा के लिए डिफेंस के लिए आवश्यक है उतना ही आप हार्म उतना ही इन्फ्लिक्ट आप दूसरे पर्सन को दे सकते हैं, ना कि आपने बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मारता है तो बदले में आप उसको एक थप्पड़ ही मार सकते हैं, ये नहीं कि उसको आप शूट कर दो। यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में आपको उतना ही हार्म पहुंचाना है जितना आवश्यक है, जितना नेसेसरी है, ज्यादा हार्म आप नहीं पहुंचा सकते हैं। सेक्शन 99 में एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन है ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस He knows or has reason to believe that the person doing the act in such public servant. इसका explanation ये कहता है कि एक बंदे को right of private defense से deprive नहीं किया जाएगा अगर उस बंदे को ये पता नहीं है कि जो बंदा उसके against कोई act कर रहा है या फिर attempt to be done और कोई act commit करने की कोशिश कर रहा है वो एक public servant है, अगर उसको पता नहीं है तब उस पर्सन के पास अधिकार है कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करे। लेकिन अगर उस पर्सन को पता है कि वो एक्ट पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है या फिर वो एक्ट करने की कोशिश अटेम्प्ट टू बी डन पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो रहा है, अगर उसको पता है और उसके पास रीजन टू बिलीव है तो वहां पर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर टू ये कहता है एक व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर किसी बंदे को पता नहीं है कि कोई एक्ट किया जा रहा है या फिर करने की कोशिश की जा रही है पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में, अगर उस बंदे को पता नहीं है तो वो बंदा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अगर उसे पता है और उसके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई एक्ट किया जा रहा है या फिर करने की कोशिश की जा रही है बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो वहां पर वो बंदा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। और या फिर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, पब्लिक सर्वेंट ने उसको डायरेक्शन दिया है किसी एक्ट को करने के लिए और अथॉरिटी राइटिंग में उसको दी गई है और वो बंदा उस अथॉरिटी को प्रोड्यूस करता है, उस पर्सन के सामने प्रोड्यूस करता है, दिखाता है अपनी अथॉरिटी कि मुझे पब्लिक सर्वेंट ने ऑथराइज किया है ये एक्ट करने के लिए, तो उस पर्सन के अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी तीन लोग हैं, बी एक हमारा पब्लिक सर्वेंट है, डी ने सी को अथॉरिटी दी है रिटर्न में कि वो ए को अरेस्ट करे। अब सी ए के पास जाता है और उसको अरेस्ट करता है। अब ए उससे बोलता है कि मुझे सबूत दिखाओ कि भाई आपके पास अथॉरिटी है मुझे अरेस्ट करने की, और वो अथॉरिटी उसको दिखा देता है, रिटर्न अथॉरिटी उसको दिखा देता है कि हाँ मेरे पास अरेस्ट वारंट है आपको अरेस्ट करने का। तब ये बंदा सी के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर सी अपनी अथॉरिटी जो कि पब्लिक सर्वेंट ने इसको दी है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, वो नहीं दिखाता है ए को, तो यहां पर ए के पास अधिकार है कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। अगर हम इस सेक्शन को शॉर्ट कर पढ़े तो कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकल कर आते हैं कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ दोस एक्टिंग अंडर देयर अथॉरिटी और डायरेक्शन where there is sufficient time for recourse to public authorities, the quantum of harm that may be caused shall in no case be in excess of harm that may be necessary for the purpose of defense. यानी कि ये right of private defense हमें public servant के against नहीं मिलता है, public servant के direction के against नहीं मिलता है, और जहाँ पर हमें public servant को public authorities को बताने का टाइम होता है, रिकॉर्ड करने का पब्लिक अथॉरिटी के साथ हमारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो वहाँ पर हमें ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। और लास्टली ये कहता है ये सेक्शन
कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें उतना ही एक्सरसाइज करना है जितनी ज़रूरत है, यानी कि उतना ही हार्म हमें पहुंचाना है जितना नेसेसरी है, ज़्यादा हार्म किसी को नहीं पहुंचाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने हमारे मुक्का मारा, हम उसके बदले उसको किल नहीं करेंगे, उसके बदले हम उसको मुक्का ही मारेंगे, यानी कि हम उसको किल कर रहे हैं या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट पहुँचा दे रहे हैं उसको। तो हम ऐसा हार्म नहीं पहुँचाएंगे जो कि एक्स्ट्रा हार्म होगा, जितना हार्म नेसेसरी है उतना ही हार्म पहुँचाएंगे, ये सेक्शन कहता है। इससे रिलेटेड एक केस है, एम्परर वर्सेस मैमन। इस केस में हुआ क्या था, 5 लोग रात के समय, चांदनी रात के समय, आर्म्ड विद क्लब्स यानी कि हथियारों के साथ एक पर्सन को असॉल्ट करते हैं, एक व्यक्ति को असॉल्ट करते हैं जो कि अपने खेत में चावल काट रहा था, राइस कटिंग कर रहा। अब जब वो उसको असॉल्ट करते हैं तो जो मैन था जिसको असॉल्ट किया गया, उस पर्सन को बहुत ग्रीवियस हर्ट पहुंचता है जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये जो एक्यूज थे ये इस चीज़ का प्ली लेते हैं कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ दियर प्रॉपर्टी के अंडर एक्ट कर रहे थे, यानी कि उनका जो एक्ट था वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में किया गया था। तो यहाँ पर उनको मर्डर के लिए चार्ज किया गया और ये बात हेल्ड हुई, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस वेयर देयर इज अ टाइम टू हैव रिकॉर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अगर उनको ऐसा लग रहा था कि कोई खेत में चावल काट रहा है, कोई चोर हो सकता है, तो उस टाइम पर उनके पास ये टाइम था कि वो पब्लिक अथॉरिटी को कॉल कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी को बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट जाके उस पर्सन को असॉल्ट कर दिया और वो पर्सन अपने खेत में ही अपने चावलों को काट रहा था। अब यहाँ पर उनके पास जबकि टाइम था, वो पब्लिक अथॉरिटी को बता सकते थे कि उस खेत में कोई पर्टिकुलर पर्सन चोरी कर रहा है, चावल काट रहा है, किसी और की फसल काट रहा है, उनको नहीं पता था कि वो अपने फील्ड में ही चावल काट रहा है। अब जब उनको ये पता नहीं था, उनके पास टाइम था पब्लिक अथॉरिटी को कॉल करने का, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत नहीं माना जाएगा, उन्होंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये काम कर दिया, क्योंकि भाई उनके पास टाइम था पब्लिक अथॉरिटी को बताने का, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ दियर प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे बिकॉज दे हैड द टाइम टू रिकॉर्स पब्लिक अथॉरिटीज। ये बात इस केस में हेल्ड हुई थी। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 99 ऑफ IPC। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 100। ये सेक्शन आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये चैप्टर 4 ऑफ IPC यानी कि जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।